सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी की दुआ से। अगर आपको भी चाहिए ऐसे चमकते लंबे घने बाल तो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ वन मंथ हेयर ग्रोथ सीरीज, जिसका है आज डे 12। इस चैनल पर चल रही है वन मंथ हेयर ग्रोथ चैलेंज, जिसमें मैं आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ, हेयर फॉल पर वर्क कर रही हूँ, डैंड्रफ पर वर्क कर रही हूँ, ताकि आपकी ग्रोथ को बूस्ट कर सके। डे 11 में मैंने आपके साथ में राइस वाटर शेयर किया था, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगा आपके बालों पर। अगर आपने ट्राई किया है तो प्लीज मेरे साथ अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। ये राइस वाटर आपकी हेयर ग्रोथ पर इफेक्टिवली वर्क दिखाएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी वो आपके बालों की आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने डे 11 नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो सामान हमने इस्तेमाल किया था वही आज हम उसी चीज़ को इस्तेमाल करके आज हम राइस शैम्पू बनाने वाले हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ पर काम करेगा। ये हमने 2 दिन पहले भिगो के रखा था, इसी का इस्तेमाल करके हम राइस शैम्पू बनाने वाले हैं। आपको सारी चीज़ समझने के लिए डे 11 ज़रूर देखना पड़ेगा। डे 12 डे 11 के ऊपर बेस्ड है, इसलिए डे 11 की वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। 2 दिन के लिए भिगो के रखे थे, उसी का आज हम शैम्पू बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको ये शैम्पू बनाना है। ये आपकी हेयर ग्रोथ पर बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके बालों में शाइन ऐड करेगा। जिस तरह से आपने मेरे बालों में शाइन देखा, उसी तरह से आपके बालों में भी शाइन आने वाला है। चावल इस तरह से मैश होने चाहिए, इतना ये गल जाएगा। 2 दिन के अंदर चावल में थोड़ी सी स्मेल भी आएगी, वही स्मेल आपके ये जो पानी है ये आपके बालों के लिए एक अमृत का काम करेगा। तो इसे आप एक किसी पैन में ले लीजिए, आप चाहे तो आयरन के बर्तन में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस नॉर्मल बर्तन में बनाया है। सारा जितना भी हमने सामान सोख करके रखा था वो सारा इसमें ऐड कर लेना है। हम कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद में हमें राइस वाटर इसमें और 1 गिलास भरकर हमें राइस वाटर इसमें ऐड करना है। आपके साथ में शेयर किया हुआ है कि राइस वाटर को कैसे बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूँगी। मैंने राइस वाटर लिया है 1 गिलास भर के, ये मैं अपने 2 टाइम के लिए शैम्पू बना रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें 5 से 6 रीठा ऐड किया है, इसमें जो सीड्स होते हैं उनको निकालने के बाद में इसको हमें कम से कम आपको 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल करना है, ताकि इसमें जो चावल हमने जो इस्तेमाल किया है वो पक जाए और जो हमने तेज पत्ता लौंग वगैरह जो भी सामान इसमें हमने इस्तेमाल किया है वो अपना अर्क इस पानी में छोड़ दें। जो चावल अपना स्टार्च इसमें छोड़ेगा ना, जिस देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि पानी बिल्कुल झाग की तरह हो चुका है। झाग इसमें इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने इसमें रीठा इस्तेमाल किया है। चावल अपना स्टार्च इसमें छोड़ देगा, वो रीठा जो चावल का स्टार्च होता है वो बालों की हेयर ग्रोथ आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पानी को कब तक आपको पकाना है, जब तक चावल ये पक ना जाएं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं चावल ऑलमोस्ट पक चुका है, तब तक आपको ये शैम्पू पकाना है। इसको अच्छे से इस तरह से चावल मैश हो जाना चाहिए, तब तक इसको आपको पकाते रहना है, आपको चलाते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। लग जाएगा तो ये शैम्पू खराब होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में आप इसे छान लीजिए, छानने के बाद में आपको ये जो सामान हमारा बचा है ना, इसको आप थ्रो नहीं करेंगे। इसको आपको नेक्स्ट डे में मैं आपके साथ में सेम सामान से इसमें और चीज़ें ऐड करने के बाद में हम बहुत ही इफेक्टिवली हेयर मास्क बनाने वाले हैं, जिससे आपके बालों में शाइन चमक आएगी, बाल लस्टर्स दिखने लगेंगे और आपकी हेयर ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होने लगेगी, क्योंकि चावल आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ये पानी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में आपको डालना है कम से कम 30 ml के आसपास एप्पल साइडर विनेगर। ये आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ पर काम करेगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद में जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू आप ऐड कर लीजिए। हालांकि मैं शुरू से इस मंथ हेयर ग्रोथ सीरीज़ में मैं पैंटीन शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी शैम्पू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको अगर आप चाहें तो ज़्यादा दिन के लिए बना के रख सकते हैं, कम से कम इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। ये आपके बालों में चमक ऐड करेगा, आप मेरे बालों में चमक देख सकते हैं कि इस मेरे बालों में कितनी चमक आई है। हालांकि हमने इस वीक में बहुत ही ज़्यादा अपने बालों को प्रोटीन दिया है, मेहंदी एप्लीकेशन किया था, मेहंदी ऑयल बनाया था और बहुत ही अच्छा शैम्पू भी प्रिपेयर किया था। उसके बाद में हमने राइस वाटर का इस्तेमाल किया है, राइस शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद में राइस हेयर मास्क भी लगाएंगे। तो सोचिए आपके बालों को कितना प्रोटीन मिला है, आप मेरा हेयर फॉल देख सकते हैं कितना कम हेयर फॉल है। ऐसा ही आपका भी हो सकता है, अगर आपके गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हैं ना
वो कम होंगे, 100% होंगे। बस आपको मेरे साथ में ये वन मंथ हेयर ग्रोथ चैलेंज स्टार्ट करना है। आप डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे टू डे मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। आप मेरे बालों में चमक देख सकते हैं, जो मेरे बालों का कलर है वो कलर आपके बालों में आ सकता है। बस आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आपके बाल भी हो सकते हैं लंबे घने काले। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ मैं डे 13 में एक बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।